मैं हाजिर हूँ। वो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है वो उन पे आज हम लोग बात करेंगे। पहली ये कि वो लोग जिन्होंने जमा करवाई थी अपनी इमिग्रेशन में अपने डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो एमडॉम यानी कि डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट थे या एग्रीकल्चर के, उनके लिए ये न्यूज़ है कि जो उनका कंट्रोल हो रहा था, जो उन्होंने दुमांदा किया हुआ है उस पे, तो वो जितने भी दुमांदे हैं मैं चेक कर रहा हूँ वो जाके रुके हुए हैं लेबर इंस्पेक्टर पे, यानी कि जहाँ पे आपके काम को देखा जाता है, जहाँ पे आपका कोंडीचे फिस्काले इशू होता है और देखा जाता है कि क्या आप वाकई काम कर रहे हैं या नहीं। इससे पहले जो इमिग्रेशंस खुलती थी उन पे ये हुआ करता था कि ये चीज़ें नहीं देखी जाती थी ऑनलाइन वगैरह, और आपको बुलेंतिनी भेज के तो फौरन से आपके डॉक्यूमेंट मांग लिए जाते थे। तो बहुत से लोग हैरान होंगे कि उनकी ईमेल्स क्यों नहीं आ रही हैं। तो उनके लिए खबर ये है कि उनकी ईमेल्स अब जो कुछ जो हैं अपने प्रोविंसी वहाँ पे आ रही हैं, लेकिन जो 99% चांसेस है आपके जो ईमेल आपको नहीं आ रही, आपसे डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे, वो आपका दुमांदा लेबर इंस्पेक्टर के पास रुका हुआ है। तो इसलिए आपको ज़रूरत है कॉन्ट्रैक्ट करवाने की। आपको शो करना होगा कि अगर आपने फ़र्ज़ करें किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट 5 घंटे का रोज़ाना, 20 घंटे हफ्ता, तो फिर आपको वो शो करना होगा कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में कि ये मैं इस फ़लाँ टाइम से फ़लाँ टाइम तक घर पे काम करता हूँ, तो ये सारा ओरारियो है। वो करके आपको जो है वो अनुचा करना होगा इसको लेबर इंस्पेक्टर को। उसके बाद आपका काम शुरू होगा और लेबर इंस्पेक्टर फौरन आपको क्लियर कर देगा और फाइल वापस चली जाएगी आपके कस्तूरा में या प्रेफतूरा में। वहाँ से फिर आपको ईमेल आएगी या आपको कॉल आ जाएगी कि आप बाकी के जो डॉक्यूमेंट हैं वो हमें प्रोवाइड करें ताकि आपको नुला उस्ता इशू किया जाए। तो ये तो थी पहली खबर। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर जो है वो है उनके लिए, वो लोग जो परेशान हैं कि उनकी कार्ता सजोनो सिर्फ इसलिए रुकी हुई पड़ी हुई है कि क्योंकि उन्होंने अभी तक जो इटालियन लैंग्वेज लेवल दुए या अधुए है वो क्लियर नहीं किया। तो उनके लिए खुशखबरी है कि कोरोना की वजह से जब आप करेंगे इसका दोमादा के टेस्ट देने के लिए आप डेट लेंगे या अपॉइंटमेंट लेंगे, तो वो आपके घर पे ही आपको भेज दिया जाएगा एक लेटर। आपका जो लेटर होगा कि आपने कब ये पेपर देना है। तो कोरोना की वजह से आप जो है फिजिकली जाके किसी ऑफिस में या फिर जो उनका होता है एग्जामिनेशन हॉल, वहाँ पे आप जाके पेपर नहीं देते। तो ये पेपर आजकल आपको ना दे लिख के देना पड़ता है और ना आपको पढ़ना पड़ता है, ये पेपर आप देंगे ऑनलाइन। वो एक आप अपनी आईडी बनाएंगे स्काइप पे या जो भी उनका तरीकाकार है, तो उसके ज़रिए आप अपना पेपर देंगे और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप पास हो जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं पूछा जाएगा कि मतलब इतनी कोई बारीकी के साथ इटालियन नहीं बोली जाएगी कि आप पास ना कर सकें। सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन होगा, आप काम कहाँ करते हैं, आप कहाँ से हैं, आपकी तारीख पैदाइश क्या है, इस तरह के कुछ सवालात होंगे जिनका जवाब आपको देना पड़ेगा। जो बेसिक रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनके बारे में पूछा जाएगा कि मतलब जो जिनका वास्ता आपके साथ हर रोज़ पड़ता है। तो ये छोटी सी सूरत है। अगर आप अभी इस सहूलत का फ़ायदा उठाते हैं तो आप जल्दी ही पास हो जाएंगे, तो आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। तो बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि ये दुमांदा कैसे, ये आपको मिनिस्टेरो देल इंटेरनो की जो वेबसाइट है वहाँ पे आप दुमांदा कर सकते हैं। अगर किसी को मदद की ज़रूरत हो या किसी को दुमांदे की वो ज़रूरत हो कि कैसे करना है, तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसका दुमांदा यहाँ से, इसके लिए आपको ज़रूरत होगी स्पीड की। स्पीड आईडी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं आपको स्पीड आईडी, उसके बाद परमेसो दी सुजोरनो कार्ता दी अदंतीता और कोडिचे फिस्काले, ये जो चीज़ें हैं ये आपको चाहिए होंगी। तो ये थी आज की दो ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए या डेवलपमेंट इटली में, तो मैंने सोचा कि आप तक शेयर कर दूँ।
अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए कारामत है, इस YouTube चैनल को और Facebook पेज को आप लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। और अगर समझते हैं वीडियो दूसरों तक भी पहुंचानी चाहिए, ये दूसरों का भी फ़ायदा हो, तो इसको शेयर भी कर दें। तो ये तो थी आज की हमारी बात। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।